है ना 120 वोल्ट्स का एक बटन होता है, वो मत छेड़ देना वरना ट्यूब माइक ना उड़ जाता। अपने यहाँ का पावर है ना 120 है, बट वो 110 पे कैलिब्रेटेड होता है, वो सब पावर यूनिट होता है। पावर यूनिट का अगर तुमने पावर का पीछे का अगर चेंज कर दिया ना इनके, तो ट्यूब माइक हो सकता है उसका एम्पलीफायर उड़ जाए। तो तुम जब भी इधर इनपुट लोगे ना, तो तुम्हारा DAW के अंदर या कोई भी है ना, तो उसका 9 नंबर का इनपुट लेना, 1 नंबर नहीं लगा सकते। यहाँ पे तुमने 1 लगाया। अब ये ना एक कंफ्यूजिंग चीज है, हमने वहां से माइक किस में लगाया, 1 में लगाया, यहाँ पे अभी 1 में रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग 9 में लगाएंगे। तो DAW में तुम 1 लोगे तो नहीं चलेगा, 9 लेना, हाँ उसमें 9 लेना पड़ेगा। बट बाकी जगह तुम्हारा कनेक्शन 1 है, तो 1 और 9 में कन्फ्यूजन होगा। तो ध्यान रखना सिग्नल फ्लो पूरा कैसे हो रहा है।